हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो है कुछ इस तरह का अवेलेबल ऑफर वाला फील्ड ऐड कर सकते हैं जो कि आपके सभी प्रोडक्ट्स पर दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पर देखा होगा तो उनके भी कुछ जो है अवेलेबल ऑफर्स वाले फील्ड्स होते हैं जो कि उनके सभी प्रोडक्ट्स पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप जो है कैसे इस तरह का फील्ड आसानी से ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का फील्ड आप जो है दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो आप जो है डायरेक्ट आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट का होता है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं उस कोड को, या फिर दोस्तों आप जो है अगर वुडमार्ट थीम यूज़ करें तो वुडमार्ट थीम में ये बड़ी ही आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर वुडमार्ट थीम में एक डिफरेंट सेक्शन दिया जाता है जो कि आपके हर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों हम बेसिकली जो है वुडमार्ट थीम यूज़ करें इस वीडियो में, तो मैं यहाँ पर जैसे कि आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वुडमार्ट थीम में इस तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जैसे कि ये वेबसाइट है woochem.com, इसके बैकएंड पैनल में हम चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जो है एडमिन पैनल में आ चुके हैं। एडमिन पैनल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थीम सेटिंग्स है। थीम सेटिंग्स में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोडक्ट पेज पे अगर क्लिक करेंगे तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें पहला लिखा हुआ है बिफोर एड टू कार्ट बटन टेक्स्ट एरिया और दूसरा है आफ्टर एड टू कार्ट बटन टेक्स्ट एरिया। तो बेसिकली दोस्तों आपका जो एड टू कार्ट है, जैसे कि ये एड टू कार्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ का वो आपका बिफोर एड टू कार्ट है और यहाँ पर बॉटम में जो पार्ट देख रहे हैं वो आपका आफ्टर एड टू कार्ट है। तो जो भी ऑफर आप जहाँ पर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो फील्ड में आपको जो है सेटअप करना होगा। तो बेसिकली दोस्तों हम जो है बिफोर ऐड टू कार्ट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमने जो है बिफोर ऐड टू कार्ट में ऐड किया है, और दोस्तों ये वाले ऑप्शन को हमने जो है आफ्टर ऐड टू कार्ट वाले फील्ड में ऐड किया है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम जो है बिफोर ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन में कुछ कोडिंग करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बैकएंड में आ चुके हैं। बैकएंड में आने का दोस्तों आपको यहाँ पर टेक्स्ट एक है और एक विजुअल है, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस देनी होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करना होगा, इसमें आप लिखना है div div और आपको लिखना है क्लास, इसके बाद इक्वल टू आपको देना है। इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है। बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर जो क्लास क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे इस टेक्स्ट के लिए क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो कि अवेलेबल ऑफर है, इसको दोस्तों हाईलाइट करने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल टेक्स्ट ऑफर, अवेलेबल ऑफर टेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐसे दे देना है। तो जैसे कि हमने दोस्तों एक क्लास क्रिएट कर लिया है जो कि है अवेलेबल ऑफर टेक्स्ट, जो कि हम टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। इसका दोस्तों आपको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है और आपको लिखना है अवेलेबल ऑफर, या फिर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अवेलेबल ऑफर टेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको यहाँ पर एक स्लैश देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है डिव, जो आपने डिव क्लास ओपन की थी उसको आपको क्लोज करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है डिव लिखते हैं। डिव लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्लास को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का दोस्तों आपको इस क्लास को यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने का दोस्तों आपको यहाँ पर एक डॉट देना है। डॉट देने के बाद आपको यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। एंटर करने का दोस्तों आपको इसके फॉन्ट को डिफाइन करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज, आपको यहाँ पे कोलन ओपन करना है और आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं 15 रखता हूँ, 15px, और आपको यहाँ पे सेमी कॉलन से बंद कर देना है। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे फॉन्ट वेट लिखना है। जैसे कि दोस्तों आप अपने फॉन्ट को जो है बोल्ड में दिखाना चाहते हैं तो आप 600 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 600 है, 700 है, 900 है, जो भी आप रखना चाहेंगे उतना फॉन्ट आपका बोल्ड में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन से यहाँ पे बंद करना है और आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। अगर दोस्तों इसमें कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर लिख सकते हैं। कलर लिखने के बाद हम यहाँ पे जो है ग्रीन लिख देते हैं। अगर आपके पास हैश कोड है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस क्लास को आपको कॉपी करना है और दोस्तों आपका जो सी एस एस है उसमें आपको ये पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली दोस्तों हम इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा ये सेव हो चुका है, अभी हमें ये क्लास जो है सी एस एस में ऐड करनी होगी। अगर दोस्तों आप जो है कोई दूसरी थीम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो है एडिशनल सी एस एस का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर ये सी एस एस आप पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम जो है वुडमार्ट का इनबिल्ट फीचर यूज़ कर रहे हैं तो हम ये सी एस एस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने का दोस्तों हम अपने पेज को जो है रिफ्रेश कर लेते हैं, प्रोडक्ट पेज को।
जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है जो कि अवेलेबल ऑफर है, जिसका हमने जो है ग्रीन कलर दिया था और उसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बोल्ड किया था। अभी दोस्तों इस फील्ड को आपको जो है कुछ और अच्छे से डिजाइन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है जिसमें कुछ बॉर्डर्स हैं और टैग है और कुछ टेक्स्ट है, तो ये दोस्तों आपको डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम जो है बैकएंड में फिर से चलते हैं, और बैकएंड में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पेज पर फिर से क्लिक करना है। प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर विजुअल पर क्लिक कर लीजिए और आपको यहाँ पर एक एंटर देना है। एंटर देने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बुलेट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपका बुलेट लिस्ट आ जाएगा, इसके आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर फिर से जाना है और एल आई के बीच में आपको एक इमेज देना है। तो इमेज देने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करना है जिसमें लिखना है आई एम जी, और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है एस आर सी मतलब सोर्स। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, और दोस्तों जो भी आपकी इमेज लिंक थी वो इमेज लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जो है इमेज अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि दोस्तों मेरी ये इमेज है, तो इसके लिंक को आपको जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का दोस्तों आपने जहाँ पर वो टेक्स्ट दिया हुआ है वहाँ पर फिर से जाना है आपको प्रोडक्ट सेटिंग में, और इमेज सोर्स में आपको ये लिंक पेस्ट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, और आपको यहाँ पर लिखना है विद डब्ल्यू आई डी टी एच इज इक्वल टू देना है आपको, और आपको यहाँ पर लिखना है 20। इसको जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए, और आपको यहाँ पे लिखना है हाइट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन इसके बाद 20, और इसको क्लोज कर देना है। इसका दोस्तों आपका जो इमेज वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, और आपको यहाँ पे लिखना है जो आपका ऑफर टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर स्पेशल ऑफर है तो हम यहाँ पे जो है स्पेशल ऑफर लिखते हैं। स्पेशल ऑफर लिखने के लिए इसको बोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग कमांड यूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पे जो लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, और दोस्तों ये टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज कर देना है स्लैश देके, और जो आपका ऑफर टेक्स्ट था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो जैसे कि दोस्तों ये ऑफर टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका दोस्तों अगर आप विजुअल में इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, हम इसको जो है सेव कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये सेव ऑप्शन हो चुका है, अभी हम जो है इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे जो है ऑफर टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसमें ऑफर और जो 3% हमारा ये था वो भी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अभी दोस्तों जैसे कि यहाँ पर स्पेस कम है तो आप यहाँ पर स्पेस मैनेज कर सकते हैं आपके बैकएंड में जाके। तो स्पेस मैनेज करने के लिए सिंपली आपका जो ऑफर वाला ऑप्शन है इसके बाद आप एक स्पेस दे दीजिए और इसको ऑप्शन को फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे स्पेशल ऑफर के बाद जो है राइट साइड में कुछ स्पेस आ चुका है जो हमने बैकएंड से अभी दिया था। अभी दोस्तों यहाँ इसके बैकग्राउंड को आपको जो है थोड़ा डिज़ाइन करना होगा, तो बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पर एक क्लास देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ वुडमार्ट माइनस बिफोर माइनस एट टू माइनस काट, ये क्लास को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। इसके आगे आपको पहले एक डॉट लगा देना है। और दोस्तों इस क्लास को थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले इसकी पेरेंट क्लास को भी आपको कॉपी करना होगा। तो दोस्तों इसकी पेरेंट क्लास यहाँ पर हम देख लेते हैं पेरेंट क्लास कौन सी है। जैसे कि दोस्तों इसकी पेरेंट क्लास आप ये रख सकते हैं जिसमें है प्रोडक्ट माइनस इमेज माइनस समरी, इस क्लास को आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि इस पेरेंट क्लास के बेस पर ही आप जो है इस हेड टू कार्ड वाले को ऑप्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है इसके पहले इस क्लास को पेस्ट करते हैं, एक डॉट देते हैं, और आपको यहाँ पे लिखना है बॉर्डर जिसमें आप लिख दीजिए 2px, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डैश, और जो भी आपका बॉर्डर का कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर आप रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जो है येलो लिख देता हूँ, और आपको इसको क्लोज कर देना है सेमी कॉलन से। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे पैडिंग लिखना है, पैडिंग लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है कॉलन देना है, कॉलन देने के बाद आपको यहाँ पे 15px लिख देना है, और आपको यहाँ पे जो है क्लोज कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस क्लास को आप जो है क्लोज कर दीजिए कर्ली ब्रेसेस से, इसको कॉपी कर लीजिए, और आपका जो CSS वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये क्लास को पेस्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस क्लास को जो है पेस्ट कर देता हूँ, और आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों अगर आप जो है HTML कोड और CSS जानते हैं तो आप अपने हिसाब से क्लास जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों CSS या HTML नहीं जानते तो आप जो है ये कोड फॉलो कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऑप्शन सेव होने के बाद चलिए हम अपने पेज को जो है एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारी जो चारों तरफ एक बॉर्डर आ चुका है जो कि डैश में है कुछ, उसके आसपास में जो है पैडिंग आ चुका है। तो हम इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर रेड लिख देते हैं क्योंकि येलो दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस सेव ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं, पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा जो बॉर्डर है वो रेड में आ चुका है। अभी जैसे कि दोस्तों आपके जो अवेलेबल वाला ऑफर है और आपका जो स्पेशल ऑफर टेक्स्ट है उसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो उसको आपको जो है इंक्रीज़ करना होगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए सिंपली आप जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाइए, वो जो आपका अवेलेबल ऑफर टेक्स्ट था उसमें आप जो है थोड़ा मार्जिन बॉटम ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है मार्जिन बॉटम लिखता हूँ और इसमें जो भी आप मार्जिन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 8px देता हूँ, इसको जो हम कॉपी करते हैं और जो आपका अवेलेबल ऑफर वाला टेक्स्ट था उसमें ये क्लास को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पूरे क्लास को आप कॉपी कर लीजिए और आपने जहाँ पर CSS दिया था उसको आप जो है रिप्लेस कर दीजिए नए कोड के साथ। हम जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं, इस पेज को जो है फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं अवेलेबल ऑफर के नीचे जो है कुछ गैप आ चुका है। अभी दोस्तों आपका जो टैग है, टैग और स्पेशल ऑफर के बीच का जो है गैप काफ़ी कम है, तो आप कैसे इंक्रीज करेंगे? तो दोस्तों गैप ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है और जो भी आपकी इमेज है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, अगर इस डिफॉल्ट क्लास में आप जो है मार्जिन राइट कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन राइट 5px। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप जो है डिफॉल्ट IMG क्लास में ये जो है मार्जिन 5px ऐड कर देंगे तो जितनी भी आपकी इमेजेस हैं सब में जो है मार्जिन राइट में ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं मेरे लोगों के यहाँ पर जो है मार्जिन ऐड हो चुकी है, आपका जो प्रोडक्ट इमेज होता है वहाँ पर भी जो है मार्जिन 5px ऐड हो चुका है। तो इसको कैसे आप फिक्स करेंगे? तो दोस्तों उसको फिक्स करने के लिए जो आपका वुडमार्क बिफोर एड टू कार्ड वाला क्लास है उसको आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का दोस्तों आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और आपको यहाँ पर एक डॉट देना है। डॉट देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है UL, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देना है LI और आपको लिखना है IMG। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक ओपन करना है और आपको यहाँ पे लिखना है मार्जिन राइट 5px लिख दीजिए। कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर दीजिए और दोस्तों इस क्लास को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पर और आपका जो CSS है वहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको दोस्तों हम जो है सेव ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। तो दोस्तों इस पेज को जो हम रिफ्रेश करते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे जो टैग है, ऑफर टैग है और स्पेशल ऑफर वाला जो टेक्स्ट है उन दोनों के बीच में कुछ गैप आ चुका है। अगर दोस्तों आप जो है इसके बॉर्डर में रेडियस कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली दोस्तों इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाइए और आपका ये वाला जो क्लास है जिसमें आपने बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ पर 2px रेड वाला, वहाँ पर आप लिख दीजिए बॉर्डर रेडियस, ठीक है, उसका आप जो है 4px कर दीजिए तो आपके जो कॉर्नर है वो थोड़े राउंडेड हो जाएंगे। तो इस क्लास को आपको जो कॉपी कर लेना है, कॉपी करने का दोस्तों जहाँ पर आपने जैसे कि यहाँ पर रेड लिखा था हमने पहले, इसमें दोस्तों ये बॉर्डर रेडियस वाला क्लास आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर और आपको यहाँ पर जो है 4px लिखना है। अभी दोस्तों इस क्लास को जो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और जहाँ पर आपने रेड वाला ये ऑप्शन दिया था क्लास का वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर सेव सेटिंग्स करने का आपको पेज को फिर से रिफ्रेश करके देख लेना है एक बार। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे जो बॉर्डर के कॉर्नर हैं वो थोड़े राउंडेड हो चुके हैं। अगर दोस्तों मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ तो उसमें भी सेम ऑफर दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे कि कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ तो जैसे कि दोस्तों हमारा डेमो प्रोडक्ट 2 है, इसको हम व्यू करते हैं तो दोस्तों उस पेज पर भी जो है कुछ इस तरह के ऑफर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है आप अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल ऑफर वाला टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो कि आपके सभी प्रोडक्ट्स पे दिखाई देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सुझाव या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इस तरह की वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।